कोई मंत्री हो गया तो नौकरी देता है, नौकरी देता है अफसर लोग। क्या कहल चाहते हैं, बार बार रेड होता है, क्या है, कौन किया जा रहा है, बार बार गरीब के नेता को तंग किया। एक तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राबड़ी आवास में सीबीआई ने छापेमारी कर दी है, जहां पिछले एक घंटे से राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है। हालांकि तेजस्वी यादव सीबीआई की रेड पड़ने से ठीक पहले बिहार विधानसभा के लिए निकले थे, जहां बजट सत्र चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से सीबीआई ने राबड़ी आवास पर धावा बोल दिया, जिसके बाद जेडी के नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है, प्रदर्शन शुरू हो चुका है राबड़ी आवास के बाहर। बिहार विधानसभा के अंदर से आज जेडी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है, तरह तरह की टिप्पणी की जा रही है। सीबीआई, केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है और इसी कड़ी में राबड़ी आवास के बाहर पहुंच चुके हैं राबड़ी देवी के बड़े भाई, जहां तेजस्वी यादव के बड़े मामा का रिएक्शन सामने आया है। और सीबीआई के इस रेट पर तेजस्वी यादव के मामा क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष बोला है केंद्र की सरकार पर, सीबीआई और बीजेपी के रिश्तों पर क्या कुछ उनका कहना है इस पूरी छापेमारी और इस पूरे मामले को लेकर, छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। कोई मंत्री हो गया तो नौकरी देता है, नौकरी देता है अफसर लोग। क्या कहल चाहते हैं, बार बार रेड होता है, क्या है, कौन किया जा रहा है, बार बार गरीब के नेता को तंग किया जा रहा है। एक तो बीमारी से इसी है और दूसरे में सारा परिवार भी बीमार में चल रहा बा और बार बार तंग किया जा रहा है गरीबों का नेता जो होते हैं ना। आज होलिका दहन था, क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना कि गरीबों के नेता को तंग किया जा रहा है। आज पूरे देश में होली का ऐसी है पर्व त्योहार है, मगर पर्व त्योहार देखते नहीं देख कर ही लालू यादव पर, खाली लालू यादव पर, पूरे देश का लोग लगे हुए हैं लालू यादव पर। जब जानते हैं कि कहीं इनका कोई साबुत नहीं है, किसी घोटाले में कोई साबुत नहीं है, तो अभी तंग किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर तो पूछताछ करने पहुंचे हैं ना सीबीआई के। अरे कोई बार सीबीआई पूछेगा, पूछताछ करेगा इसी मामले में, इसी मामले में आप लोगों के सामने ही ना, आज साल भर नहीं हुआ छापमारी हुआ था, कुछ मिला तो खुलासा करना चाहिए ना, अगर मिलता है कुछ तो खुलासा करना चाहिए। लालू यादव कोई बहाली करते हैं कि अफसर लोग बहाल करता है, ऑफिसर से जाकर पूछिए, जहाँ जहाँ बहाली हुआ तहाँ तहाँ का ऑफिसर का पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, तू कहाँ बहाली किया, किस आधार पर बहाली किया, उसको नहीं पकड़ना चाहिए। सिर्फ लालू यादव में आप पढ़े हुए हैं, घोटाले तो बहुत लोग किए होंगे, क्या घोटाला कोई नहीं किया होगा। पहले रेल मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उसके बाद नीतीश कुमार थे, कहाँ उनके पास कोई गया रेल में बहाली, रेल कौन विभाग में बहाली नहीं होता है, हर विभाग में बहाली होता है। ये लोग मंत्री लोग बात करते हैं, इसलिए इस पर भी ऐसा कुछ है क्या? ना ना, वो बात कर रहे हैं, रेल मंत्री हुए, प्रधानमंत्री बहुत लोग हुए, सब प्रधानमंत्री या रेल मंत्री बहाली करते हैं, जो अफसर बहाली करता है।